नमस्कार जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 5 सितंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिवस टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के महानतम व्यक्तित्व में से एक थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुटानी नामक स्थान में हुआ था और डॉक्टर एस राधाकृष्णन महान प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत बने और राजदूत के बाद ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने 1952 ईस्वी में और उपराष्ट्रपति पद पर ये 2 कार्यकाल के लिए रहे। 1957 और दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962 और उनके बाद ये देश के दूसरे राष्ट्रपति बने व्यक्ति के रूप में और पद क्रम में तीसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया और इन्हीं शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन अनेक पुरस्कार को प्राप्त किए और भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उनको प्रदान किया गया 1954 ईस्वी में। देश का भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न के अलावे इनको जर्मनी का टेम्पल्टन साहित्य शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन जिनके सम्मान में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं और मना रहे हैं, एक भारतीय संस्कृति के महान संदाव संवाहक थे। भारतीय संस्कृति से इनकी अटूट आस्था थी और हिंदू संस्कृति को ये काफी गौरवपूर्ण मानते थे और भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए विदेश में और देश के अंदर भी ये एक दूत के रूप में कार्य किए। साथ में महान शिक्षाविद, भारतीय साहित्य के महान विद्वान में से एक और महान दार्शनिक थे, फिलॉसफी के महान विद्वान, आधुनिक भारत के महानतम दार्शनिक विद्वानों में से एक विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन। और सबसे बड़ी बात कि वे आस्थावान हिंदू थे। हिंदू धर्म में उनकी पूर्ण आस्था थी और हिंदू धर्म को वो सहिष्णु और हिंदू धर्म को प्रगतिशील मानते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन फिलॉसफी के पर अनेक पुस्तक लिखे हैं और फिलॉसफी की उनकी जो पुस्तक है वो विश्व के महानतम दार्शनिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। राधाकृष्णन की जो पहली पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इनकी प्रथम पुस्तक है। उनकी दूसरी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी है
भारतीय दर्शन। एस राधा कृष्णन की तीसरी पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और सभी पुस्तकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है और यह अनेक परीक्षाओं में यह प्रश्न दर्जनों बार पूछा जा चुका है। उनकी चौथी पुस्तक जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, ये जीवन को एक आदर्श दृष्टिकोण से देखते थे, मानवता को एक उच्च ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। उनकी पांचवी पुस्तक कल्कि द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, छठी पुस्तक ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, भारतीय धर्म और पश्चिमी विचारधारा। सातवीं पुस्तक धर्म और समाज, आठवीं पुस्तक द धम्म पद, नौवीं पुस्तक द प्रिंसिपल उपनिषद, दसवीं पुस्तक रिकवरी ऑफ फेथ और उनकी सबसे अंतिम पुस्तक धर्म विज्ञान और संस्कृति। धर्म विज्ञान और संस्कृति उनके जीवन की अंतिम पुस्तक हुई और एस राधा कृष्णन की 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और एस राधा कृष्णन युवाओं के बीच एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, एक हिंदू संस्कृति के धरोहर के रक्षक हैं और आज भी डॉक्टर एस राधा कृष्णन हमारे बीच हमारे भारतीयों के बीच मौजूद हैं। इस शिक्षक दिवस पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। इतना ही आज, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।